our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो मेरे किचन से ना ये कुछ कबाड़ निकला है, तो आज मैं इसी का DIY करूँगी और इसी कबाड़ से मैं अपने किचन को भी डेकोरेट करूँगी। ये एक नॉनस्टिक फ्राई पैन है और इसका अब कोई काम है नहीं, तो मैंने इसके हैंडल को निकाल दिया है और इसे गोल्डन पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो स्प्रे पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस ऑयल पेंट का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे ना एक बहुत अच्छी सी साइन आती है। स्प्रे पेंट करने से काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आप जब इस पेंट का यूज़ करेंगे ना तो थोड़ा काम लेट होगा, क्योंकि इसे दो या तीन कोट करना होता है तब जाके अच्छी फिनिशिंग आती है। एंड सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है और मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो वीडियो तो शूट करना ही था, तो आवाज़ को आप लोग मैनेज कर लीजिएगा आज। और एक बात, जब आप ब्रश से कलर करें ना तो एक ही डायरेक्शन में ब्रश को चलाना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में कलर करो तो सही लगेगा। इस गोल्डन कलर को यूज़ करने के बाद आपको ब्रश को एक ही डायरेक्शन में कलर करना है। और जब एक कोट कलर कर लेने के बाद कलर अच्छे से सूख गया तो फिर मैं इसे दूसरा कोट कलर करूँगी। और मेरे पास ये एक बेकार वुडन स्पैचुला है, तो आज मैं इसका भी DIY करूँगी। तो इसे ना बेस कलर के लिए मैं वाइट कलर कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इस पर कुछ और DIY करूँगी। और वाइट कलर हो जाने के बाद मैं इसे भी अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। और ये लोटा मैंने करवा चौथ पे यूज़ किया था और इसमें जो भी डेकोरेशन था मैंने हटा दिया और इसे अच्छे से क्लीन करके और इसे भी मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ। तो करवा चौथ पे ना बहुत सारे ऐसे सामान रहते हैं जिनका ना हम लोग DIY करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, तो मुझे तो बहुत सामान मिल जाता है करवा चौथ पे और उन सामानों को मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख देती हूँ। और स्पैचुला अच्छे से ड्राई हो गया है और इस पे मैं लाइट ब्लू कलर कर रही हूँ। और ये मेरे पास ट्रांसफ़र सीट है और इसी से मैं अपने DIY को कंप्लीट करूँगी। अगर आपको पेंटिंग आती है ना तो आप स्पैचुला पे अच्छे से पेंट भी कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था तो मैं यहाँ पे पोल्का डॉट बना रही हूँ, इससे और भी अच्छा ये लगने लगा DIY। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फेविकोल लगा के ट्रांसफ़र सीट को स्टिक कर रही हूँ और जब ग्लू अच्छे से सूख जाए उसके बाद हमें वार्निश करना भी ज़रूरी है, वार्निश करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मेरे पास ये कार्डबोर्ड का कट था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी यूज़ कर लिया जाए, तो मैं यहाँ पे एक प्रिंटेड पेपर ले रही हूँ
और इसे कट करके मैं कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक कर दूंगी और इससे हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्रिज मैग्नेट बन जाएगा। आप इसके ऊपर चाहें तो कोई कोट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे ही रखूंगी इसे। और हमारा ये सारा DIY ड्राई हो गया अच्छे से। और मैंने ये मीशो से ना एक वॉल सेल्फ ऑर्डर किया था जो कि ये प्लास्टिक का है, और इसे स्टिक करने के लिए यहाँ पे दो स्टिकर भी आते हैं। आप इसे चाहे कहीं भी स्टिक कर सकते हैं, बाथरूम बेसिन एरिया या किचन, कहीं भी आप चाहें तो इसे स्टिक कर सकते हैं। और इन सारे DIYs को करते हैं प्लीज़। और ये जो मैंने सेल्फ ख़रीदा है ना, ये साइड में यहाँ पर लगाऊंगी। और मुझे यहाँ पे इसी तरीके का छोटू सा सेल्फ चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है नहीं। और मैं यहाँ पे अपना एक छोटू सा टी कॉर्नर बनाऊंगी। और मैंने अपने DIY स्पैचुला को यहाँ पे हैंग करूँगी। और इस DIY फ्राई पैन में मैं अपने रोज़ के जो मसाले यूज़ करती हूँ ना, मैं इसमें रखूँगी। और ये बहुत ही अच्छा ट्रे बन गया है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके नीचे ना मैं ये लोटा रख दूँगी। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। और आइडियाज़ अगर पसंद आए होंगे और आपके भी किचन में ऐसे कुछ कबाड़ होंगे, तो आप भी उनका DIY कीजिए और अपने किचन को डेकोरेट कीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।